हमारे प्यारे दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम, जय माता दी। आज का विषय है वही पुराने में सीरीज को लेकर दोहरा रहा हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे कुंडली में हम लोग सरकारी योग को कैसे देखते हैं, हम अपने प्रशासनिक सेवा के योग, हम अपने सिविल सेवाओं के योग इत्यादि की चर्चा आज हम इस वीडियो में एक कुंडली लगाकर समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि हमें कौन कौन से योग हम लोग इस कुंडली में देखते हैं और क्या यह कुंडली हमारे इस सारे योगों को बताती है कि नहीं बताती है, क्या इसका जो हम लोग पूर्वा अनुमान लगाएंगे तो क्या वो सटीक पूर्ण अनुमान बैठता है कि नहीं बैठता, ये इत्यादि हम लोग आज समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारी जो नई नई वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास समय से पहुंच जाया करेगी। साथ में हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, विवाह के योग, आपको विदेश योग हो गया, लव मैरिज का योग हो गया, संतान योग इत्यादि जो भी वीडियो दी हुई आप उसे देखें और साथ में जो आने वाली जो वीडियो भी है उसे भी आप अवश्य जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कुंडली में कि हम लोग किस प्रकार देखते हैं कि इनका सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम इसे दो तरह से आपको समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा, एक वैदिक ज्योतिष, एक हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी मैं बताऊंगा, देखूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे योग तो हमें दिखते हैं लेकिन परंतु यदि हमारा मानना है कि वो फलीभूत नहीं हो पाते हैं, वो जो हमें योग सरकारी नौकरी का योग दिखाते हैं लेकिन वो योग हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि इसी कुंडली को यदि हम लोग नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं तो उसमें हम लोग एकदम सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस जातक की सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी, किनकी दशा में लगेगी, किनकी अंतरा में लगेगी। उसी प्रकार हम लोग विवाह के योग भी हम लोग नाड़ी ज्योतिष से सटीक लगाते हैं। बहुत सारे की कुंडलियां मैंने देखा, बहुत सारे की कुंडलियां अभी भी मेरे पास आती रहती है कमेंट बॉक्स में कि मेरी शादी नहीं हुई है, 34 साल 35 साल हो गए हैं, कब मेरी शादी होगी। जब हम उनकी कुंडली को देखते हैं, यदि वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो इनमें दिखता है कि हाँ शादी योग मुझे दिखा रहा है परंतु फिर भी इनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो उसी को जब हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो मुझे यहाँ दिखाता है कि मैक्सिमम 9 में से 5 या 6 जो ग्रह है वो शादी को नहीं बताते, अर्थात वो शादी को जब नहीं बताते हैं तो उसकी दशा में वो शादी नहीं हो पाती है। लेकिन हमें जवाब देने में बहुत कठिनाई महसूस होती है कि हम उसे नहीं बोल सकते हैं कि आपकी शादी हो सकती इस दशा में नहीं होगी या जो भी शादी के योग बन रहे हैं आज से 15 साल 20 साल बाद बन रहे हैं तब तक उनकी उम्र गुजर जाती है। यदि हम लोग उसे कह देते हैं तो सोचिए यदि ये सही हो जाती है तो उन्हें लगेगा कि ये पंडित जी, ये बाबा जी की जो बोली है, मतलब उनकी बोली खराब है, उनकी बोली लग जाती है, इसलिए हम लोग उसे सही सही नहीं बता पाते। हाँ, जिनकी यदि कुंडली में दिख रहा है शादी की योग और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में इनकी शादी हो जाएगी तो उसे हम लोग बताने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होती। चलिए हम लोग आज समझते हैं, आज एक कुंडली लूंगा जो 25 साल के लड़के की कुंडली है। इसने 2 सवाल हमसे पूछे हैं। पहला सवाल उसने पूछा है क्या मुझे सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और दूसरा सवाल इसने पूछा है कि मेरी विवाह कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसे हम लोग दोनों तरह से समझने का प्रयत्न आज हम करेंगे और समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी है प्रिडिक्शंस करने में या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है प्रिडिक्शंस करने में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा 2 कुंडली आ रही होगी, एक में लग्न लिखा हुआ होगा दोस्तों और एक में आपको भाव चलित कुंडली लिखा हुआ होगा। ये एक जातक है जिनका जन्म 29 नवंबर 1996 को हुआ है और जन्म का जो समय है 3:55 सुबह में और जन्म का स्थान कानपुर है। इनका जो क्वेश्चन हमारे पास आया है
ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जिससे मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकूं, और साथ में ये अपने मैरिज के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या मेरी मैरिज होगी, यदि होगी तो कब होगी, यदि हो और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। तो हम लोग लग्न को पहले देखते हैं। लग्न में देखिए 7 नंबर लिखा हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तुला लग्न की राशि कुंडली है, और इनकी जो राशि होगी वो मिथुन राशि होगी। कहीं चंद्रमा देखिएगा यहाँ 3 नंबर में विराजमान है। अब तुला लग्न की राशि है, 7 नंबर है, तो लग्नेश कहाँ है, लग्नेश इनके शुक्र हो गए, वो देखिएगा कि जाके अपने लग्न में ही बैठे हुए। तो ऐसे जातक अपना जीवन विलासतापूर्वक बिताते हैं, इन्हें अच्छी अच्छी कीमती कीमती चीज़ों का बहुत शौक होता है, और इसे पाने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं दोस्तों। साथ में मुझे इसके कुंडली में देखना कि क्या इनके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। तो हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब का योग देखते हैं आपको वैदिक ज्योतिष में, वो पहले घर से देखते हैं, दूसरे घर से देखते हैं, चौथे घर से देखते हैं, पाँचवें घर से, और 9वें घर 10वें घर से। पहला घर लग्न का घर हो गया, दूसरा धन का घर कहलाता है, चौथा हमारे माता का घर कहलाता है या वाहन जमीन जायदाद का घर कहलाता है, पांचवा हमारे प्रेम का घर हो जाता है, हमारे एजुकेशन का घर हो जाता है, 9वां घर आपको कहिए तो भाग्य का घर कहलाता है, साथ में ये लंबी दूरी के यात्रा का भी घर कहलाता है आपको, 10वां घर हमारे कर्म का घर होता है। हमें 10वां घर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, क्या कि 10वां घर हमारे नेम फेम स्टेटस को भी बताता है दोस्तों। यदि किसी प्रकार से लग्नेश का संबंध दूसरे घर से या चौथे घर से या 5वें घर से या 9वें घर से, साथ में यदि 10वें घर से बन जाता है, और यदि किसी प्रकार की दृष्टि या युति 6ठे घर से भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कोई परेशानियां नहीं होगी। लेकिन साथ में हमें सूर्य या चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारे राजा या प्रशासन को बताते हैं। तो यदि सूर्य या चंद्रमा आपके कुंडली में यदि बहुत मजबूत स्थिति में है, साथ में यदि वो 6ठे घर 10वें घर के साथ किसी प्रकार संबंध भी बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को सरकारी जॉब लगने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हो सकती है। तो हम एक एक करके सारे घर के बारे में जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लग्नेश है, लग्नेश खुद लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका किसी प्रकार से भी कोई भी संबंध ना तो दूसरे घर से बन रहा है, ना 4थे घर से बन रहा है, ना 5वें घर से बन रहा है, ना आपको 9वें घर से बन रहा है, ना ही 10वें घर से बन रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे घर को देखते हैं। दूसरा घर हमारे धन का घर कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा सूर्य और बुध की युति हो रही है। सूर्य और बुध की यदि किसी भी घर में युति होती है तो हम लोग बुध अदिति योग कहलाते हैं, यदि 6ठे 8वें 12वें में ना हो तो। तो यहाँ देख रहे हैं कि बुध सूर्य से अस्त भी नहीं है कहाँ, क्योंकि यहाँ बुध जो इस अंश में बैठे हुए हैं, लगभग 28 डिग्री के अंश पर बुध दूसरे घर में विराजमान है, और सूर्य जो बैठे हुए हैं वो 13 डिग्री के अंश पर बैठे हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुध यहाँ अस्त नहीं हो रहे हैं, ये मतलब एक अच्छा योग बन रहा है। साथ में यदि आप सूर्य को देखिएगा तो 10वें घर के स्वामी भी, 10वें घर में देखिए लाभेश लाभ का 11वें घर के स्वामी भी हैं, क्या 11वें घर में 5 नंबर लिखा हुआ है। और एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए कि आपको स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। सूर्य मंगल के राशि में बैठे हुए हैं, मंगल सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। इस प्रकार एक बहुत अच्छा योग बनता है, इन्हें धन की प्राप्ति भी होगी, और धन को ये संयोज के भी रखेंगे, संभाल के भी रखेंगे, धन में वृद्धि भी होगी। एक दूसरा घर हमारे संचित धन को बताता है और 11वां घर हमारे लाभ को बताता है। लेकिन क्या ये धन इन्हें सरकारी नौकरी से प्राप्त होगी, क्या ये धन इन्हें उच्च प्रशासनिक सेवा में जब जाएंगे वहाँ से प्राप्त होगी, ये हम लोग आगे देखना चाहते हैं। साथ में देखिए तीसरा घर हमारे पराक्रम का घर कहलाता है, हमारे साहस का घर कहलाता है। उसके स्वामी कौन है, उसके स्वामी देखिएगा आपको तीसरे घर के गुरु हैं, क्योंकि 9 नंबर राशि लिखी हुई जो धनु राशि होती है स्वामी गुरु होते हैं, और खुद गुरु पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात वो किसी चीज़ को ठान लेंगे तो सात्विक तरह से उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि साथ में जो गुरु है उनको एक छठा घर भी मिला हुआ है जो खराब घर कहलाता है, जो आपको त्रिक घर कहलाता है, लेकिन साथ में ये हमारे नौकरी का भी घर होता है, हमारे पैसा का भी घर होता है। 12 नंबर की लिखा हुआ है जो आपको मीन राशि होती है, और उस घर में देखिएगा शनि महाराज विराजमान है आपको, और शनि और गुरु में ना तो दोस्ती है दुश्मनी पूरी है, दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। आपको गुरु हो गए देव, शनि हो गए दानव हो गए। तो इसी प्रकार हम लोग किसी का विवेचन करते हैं कुंडली में। चौथे घर सबसे बढ़िया, दसवें घर को आप देखिए, कर्म घर को। कर्म घर के में कौन सा नंबर लिखा हुआ, उसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कर्क राशि हो गई। इसके स्वामी क्या हो गए, इसके स्वामी चंद्रमा हो गए, जो खुद जाके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यदि इसी में यदि बुध यदि हमारे चौथे दसवें घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक परिवर्तन योग हो जाता जो हमारे उच्च प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत अच्छा होता। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में बहुत सारे योग तो बन रहे हैं दोस्तों, ताकि सूर्य और मंगल की आपकी देखिए स्थान परिवर्तन हो रहा, सूर्य बुध साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर मजबूत स्थिति में, चंद्रमा भी यहाँ मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये किसी प्रकार से हमारे अनुसार ये मतलब एक सरकारी नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है। चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं, हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, काहे कि वैदिक ज्योतिष तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोग एक सटीक पूर्वा अनुमान नहीं लगा पाते हैं दोस्तों। यही चीज़ यदि हम लोग नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, इसका सटीक पूर्वा अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब होगा, होगा कि नहीं होगा। जीवन में हमारे 8-9 मेन इवेंट होते हैं दोस्तों, ये आपको मालूम ही होगा। यदि कोई बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे का कुंडली लेके किसी भी माता पिता दी ज्योतिष के पास जाते हैं तो क्या पूछेंगे कि बच्चे का हेल्थ कैसा रहेगा, बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी। इसके अलावा तो हम नहीं पूछ सकते हैं कि अभी जस्ट बच्चे 1-2 साल के हुए हैं कि सर इसकी जॉब कैसी लगेगी, कौन सी जॉब लगेगी, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होगी तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इत्यादि तो हम लोग नहीं पूछते। ये उम्र के साथ पूछा जाता है। यदि वही बच्चा यदि आपको 18-19 साल का हो जाता है, एजुकेशन उसकी पूरी हो जाती है, तब हम लोग उसके प्रोफेशंस के बारे में पूछते हैं कि किस फील्ड में ये जाएगा। यदि प्रोफेशंस यदि उसमें नौकरियां मिल जाती हैं या अपना बिजनेस करता है, तब हम लोग पंडित से पूछते हैं, ज्योतिष से पूछते हैं कि सर इसकी शादी कब होगी, शादी होगी कि नहीं होगी, यदि शादी हुई तो इनकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन के मुख्य 7-8-9 ही इवेंट होते हैं जो जनरली कोई भी जातक किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक नाड़ी ज्योतिष का एक एक्सेल शीट आ रहा होगा जिसमें आपको नंबर दिख रहे होंगे, साथ में ग्रह दिख रहे होंगे लिखे हुए सर, यही चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले जॉब के बारे में बात करते हैं, सरकारी जॉब के बारे में बात करते हैं। यदि किसी के भी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह 2-6-10-11 या 6-10-11 या 10-11 या 2-10-11 बताता है, तो ऐसे जातक ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं, प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल करते हैं। उसी प्रकार यदि किसी कुंडली में 2-6-10 या 6-10 आ रहा है तो वो जो उनका क्वालिफिकेशंस होता उसके इक्वल वो जॉब पाते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई जातक ने ग्रेजुएशन पास किया है, यदि उनके कुंडली में अधिकांशतः ग्रह में 2-6-10-11, 6-10-11, 10-11, 2-10-11 इत्यादि आवे तो ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल करते हैं, या यदि वो प्राइवेट में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति मैनेजमेंट करके उच्च पद पर किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसीन होते हैं। लेकिन यदि किसी के व्यक्ति कुंडली में अधिकांशतः ग्रह 2-6-10 या 6-10 बताता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सरकारी नौकरियां मिलती है, लेकिन वो अपने क्वालिफिकेशंस के आधार पर ही नौकरियां मिलती है। यदि कोई जातक व्यक्ति ग्रेजुएशन पास किया है तो उनके अनुसार वो PCS कर सकते हैं, या आपको LDC में जा सकते हैं, या रेलवे में आपको ऑफिसर्स सेवा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च
ऑफिशियस रैंक में वैसे जातक नहीं जा पाते। और यदि किसी के व्यक्ति के कुंडली में सिर्फ 2 रहे 10 रहे या 11 रहे ये भी हमें रोटी पानी देते हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि ऐसे यदि नंबर यदि हमारे कुंडली में आते हैं तो वो अपने एजुकेशन से निम्न जॉब पाते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन आपको 12th लेवल का जॉब मिलेगा, 10th लेवल का जॉब मिलेगा। लेकिन साथ में हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि 6, 8, 12 यदि ना आए, 6 घर के साथ यदि 10 या 11 आ रहा तो 6 हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जहाँ 8 के साथ मिल गया, 12 के साथ मिल गया या 8 और 12 के साथ मिल जाता है तो वो ख़राब रिजल्ट देना चालू कर देता। तो अब हम लोग यहाँ पर इनके सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करें, देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य, सूर्य क्या बता रहे हैं, ग्रह 2, 11 बता रहे हैं। उनका जो नक्षत्र है शनि है वो 4, 5 बता रहे हैं और उनका जो सबलॉर्ड है राहु 2, 4, 5, 9, 12 बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि एक ही घर खराब है, 12वां घर। लेकिन ये 12वां घर यहाँ खराबी नहीं करेगा, इन्हें अच्छाई प्रदान करेगा। यदि यही 12वां घर के साथ 8वां घर या 6ठा घर मिल जाता तो वो खराबी प्रदान करता। तो यहाँ पर देखिएगा 2, 11 ग्रह बहुत अच्छा बता रहे हैं आपका। इनका देखिएगा नक्षत्र 4, 5 कुछ नहीं बता रहे, न्यूट्रल बता रहे हैं। और सबलॉर्ड में देखिएगा कि 2, 12 के साथ मिल के अच्छा हो जा रहा है, प्लस 4, 5, 9 क्या हो जा रहे हैं आपको, ये न्यूट्रल हो जा रहे हैं। मतलब यदि सूर्य की दशा आएगी या सूर्य किसी के अंतरा में आएंगे तो ये हमारे जातक को बहुत अच्छा करेंगे। यदि ये किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यदि कोई दशा अच्छी आ रही है तो इनको सक्सेस अवश्य मिलेगा। या ये दशा में खुद हैं सूर्य भगवान और इनके साथ कोई अंतरा कोई अच्छी आ रही जिसमें 2, 6, 10, 11 कॉम्बिनेशंस हो तो हम कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक सेवा पा सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे प्रशासनिक सेवा को बताते हैं। अब चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा क्या बता रहा है दोस्तों, 9 और 10 बता रहा ग्रह अच्छा है। उसका जो नक्षत्र है क्या बता रहा, 3 और 6 यहाँ 6ठा घर देखिए दोस्तों खराब हो गया। लेकिन यदि इसके साथ 8वां घर या 12वां घर जुड़े तभी खराब मानेंगे, नहीं तो ये 6, 10 मिलके बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सबलॉर्ड देखते हैं, यहाँ सबलॉर्ड का शुक्र है, ये 1 और 8 घर बता रहा है। इसका वो 6ठा घर 8वां के साथ मिल जा रहा है और नक्षत्र और सबलॉर्ड में 6 और 8 है। मतलब हमारा जो बुरा घर है ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत, वो क्या करेगा 10वें को बीट कर देता है। इस प्रकार इनका प्रोफेशन लाइफ मंगल में ख़राब हो जाता है। हम कह सकते हैं कि मंगल प्रोफेशन लाइफ के लिए ख़राब है, प्रोफेशनल या गवर्नमेंट जॉब के लिए चंद्रमा मेरा ख़राब है। अब हम लोग आते हैं, चलिए मंगल को देखते हैं। मंगल ग्रह 2, 7, 11 बहुत अच्छा बता रहा है, एक्सलेंट। लेकिन इसके नक्षत्र देखते हैं आपको शुक्र हो जा रहा है जो 1 और 8 बता रहे हैं, चलिए थोड़ा सा खराब है। यदि हमें 6ठा या 12वां घर यदि नहीं आता तो अच्छे हैं। लेकिन जब इनका सबलॉट देखते हैं जो गुरु हैं जो 3 और 6 बता रहे हैं, मतलब देखिए 6 और 8 फिर मिल जा रहे हैं वो भी नक्षत्र और सबलॉट में, और 2 और 11 ये हैं जो अब ग्रह में है। मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में कि सबलॉट इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र और नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट मजबूती जो रिजल्ट देता है वो सबलॉट देता है, उसके बाद नक्षत्र देता है, तब प्लेनेट देता है। उसी प्रकार सबसे मजबूत रिजल्ट दशा देती है, उसके बाद उसकी अंतरा देती है, उसके बाद उसकी पर्यंतर देती है। यदि दशा किसी भी इवेंट को डिनाई करता है तो हम लोग अगली दशा को देखते हैं। यदि दशा किसी भी इवेंट को ओके करता है तो हम लोग अंतरा को फिर देखते हैं। यदि अंतरा यदि ओके नहीं कर रहा तो हम लोग अगली अंतरा को देखते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार ये प्रोफेशंस के लिए मंगल भी खराब हो गया दोस्तों। अब हम देखिए बुध को देखते हैं, बुध क्या बता रहा है, 2, 9, 11 उसका सबलॉर्ड है जो वो भी बुध ही है, वो भी 2, 9, 11, 12 बता रहा है। और इसका जो नक्षत्र है 2, 9, 12 बता रहा है, इसका सबलॉर्ड देखिए 4, 5 बता रहा है। देखिए 12, 12 मिल के थोड़ी सी खराबी करता, उतनी खराबी नहीं थी, 6ठा 8वां घर मिलता तो हम कहते खराब कर रहा, लेकिन इसमें दाल रोटी चल जाएगा। यदि इसको दशा अच्छी मिल जाएगी तो ये सक्सेस हो सकता है दोस्तों। उसी प्रकार गुरु को देखते हैं, गुरु क्या बता रहे, 3, 6 खराब है। उसका जो नक्षत्र 1, 8, 8वां का 6ठा 8 मिल गया, फिर खराब कर दिया। और उसका सबलॉर्ड 2, 9, 12 मतलब देखिए 6, 8, 12 पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ आ गया। कोई भी खाली एक पॉजिटिव घर है प्रोफेशन के लिए वो 2 नंबर है।
तो हमारा यहाँ गुरु बहुत ख़राब हो गया दोस्तों। यदि गुरु किसी के दस अंतरा में आते हैं या खुद दशा में आते हैं तो यह जीवन इनका वो जो पीरियड है त्राही मान रहेगा ऐसा जातक दोस्तों। अब शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र क्या बता रहा, खुद 1 और 8 खराब बता रहा। साथ में वो किसके नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, वो 2, 4, 5, 9, 12 बता रहा। 12 का घर जो 8वें के साथ मिल के खराब कर दिया, दूसरे को बीट कर दिया दोस्तों। अब उसका सबलॉट क्या, 2, 9, 12 फिर 12 आ गया। देखिएगा ग्रह से लेकर सबलॉट तक 8, 12, 12 आ रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव है ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पॉजिटिव खाली 2-2 ही बता रहे हैं दोस्तों, कमज़ोर हो गया ये। ये भी प्रोफेशंस के लिए हमारा ख़राब हो गया। उसी प्रकार शनि को देखिए, शनि क्या 4-5 बता रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो भी 4-5 बता रहे हैं, और उनका जो सबलॉट है 2, 9, 12 बता रहा। लेकिन यहाँ देखिएगा शनि हमारे शुक्र से, हमारे गुरु से, हमारे बुध से, हमारे मंगल से, हमारे चंद्रमा से ज़्यादा स्ट्रांग है। एक घर खराब नहीं, एकलौता घर कभी खराब नहीं होता। यदि शनि की दशा आती है, शनि किसी के अंतरा में आते हैं, यदि 12वें नंबर का यदि जातक कोई कार्य करता है, यदि घर से बाहर जाके कार्य करता है, कि 12वां नंबर हमारे फॉरेन सेटलमेंट का होता है, 12वां घर हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, 12वां घर हमारे जेल का भी होता है, यदि इस विषय में यदि वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इन्हें सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। अब हम राहु को देखते हैं, राहु क्या बता रहा, 2, 4, 5, 9, 12 अच्छा है। उसका नक्षत्र किसके नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, 9-10 बता रहा, और इसका जो सबलॉट है वो भी 9-10 बता रहा चंद्रमा, मतलब ये सबसे स्ट्रांग हमारे इसके कुंडली में हो गया दोस्तों प्रोफेशंस के हिसाब से दोस्तों। अब हम लोग केतु को आते हैं, केतु देखिए क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 बहुत बढ़िया, 2, 6 और 11 तीनों का पूरा कॉम्बिनेशन ग्रह हमारा। इनका जो सबलॉट नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में आए हुए हैं, 4-5 बता रहा मतलब न्यूट्रल है, और इनका सबलॉट 9 और 10 बता रहा मतलब पॉजिटिव है। ओवरऑल राहु से भी अच्छा इनका केतु हो जाता है दोस्तों प्रोफेशंस के लिए। अब इसके कुंडली में देखिए कौन कौन से प्रोफेशंस के लिए अच्छे घर हो गए, ग्रह हो गए। एक सबसे बढ़िया केतु, उसके बाद देखिएगा आपको राहु हो गए, और उसके बाद देखिएगा आपको सूर्य हो गए, और उसके बाद आपको शनि हो गए। बाकी देखिएगा 5 ग्रह खराब हैं प्रोफेशंस के लिए, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, और 4 ग्रह अच्छे हैं, सबसे अच्छा केतु। अभी इनकी जो दशा चल रही है दोस्त, शनि की दशा चल रही है, और इनकी जो अंतरा आ रही है वो राहु की अंतरा आ रही है। यदि दोस्तों ये लड़का, ये जातक, ये व्यक्ति यदि सूर्य की जैसे ही पर्यंतर आएगी, यदि इस बीच में यदि एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब की देते हैं तो इन्हें सफलता मिल सकती है, अन्यथा इन्हें सफलता गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अब इनके हम वैवाहिक जीवन के बारे में भी देख लेते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यदि अच्छा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आएगा तो वैवाहिक शादी उसकी होगी, यदि नेगेटिव आएगा शादी नहीं होगी। पॉजिटिव कॉम्बिनेशन विवाह का क्या होता है, 2, 7, 11 साथ में यदि 4, 5 और 9 आते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं, और साथ में यदि 6, 8, 12 आ जाते हैं तो वो एज ए फ्रेंड का काम करते हैं दोस्तों 8-12। और जो नेगेटिव घर होते हैं 1, 6, 10 होते हैं, ये पहला घर, छठा घर, 10वां घर नेगेटिव होते हैं शादी के लिए। लेकिन 8-12 के साथ यदि 2, 7, 11 आ रहा है तो धूमधाम से शादी होगी, डौरी मिलेगा, दहेज मिलेगा, फूंक पटाखे छूटेंगे। यदि वही 1, 6, 10 के साथ 8-12 आ रहा है तो शादी आपकी नहीं होगी दोस्तों। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं सूर्य शादी के लिए कैसा है। तो हम सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं कि शादी के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी नेगेटिव घर नहीं है, 1, 6, 10 देखिए इसमें दिख रहा है। अब पॉजिटिव घर देखिए दिख रहा है आपको, सूर्य बढ़िया है शादी के लिए। अब चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा देखिए 1, 6, 10 पूरा कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मतलब शादी के लिए मेरा चंद्रमा खराब हो गया। यदि शादी दशा आती है चंद्रमा की या किसी के अंतरा में आते हैं तो उस पीरियड में शादी इनकी नहीं होगी। यदि शादी हो जाती है तो उसके बाद इनके जीवन, वैवाहिक जीवन खटपट चलती रहेगी। अब हम लोग देखिए मंगल को देखते हैं, मंगल क्या बता रहा है, देखिएगा 2, 11, 2, 7, 11 एकदम स्ट्रांगली ग्रह बता रहा है, लेकिन नीचे देखिए 1 और 6 आ रहे हैं आपको, मतलब हमारा नक्षत्र और सबलॉट बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगल भी खराब हो गया दोस्तों शादी के लिए। उसी प्रकार मरकरी को देखिए, बुध को देखिए, 2 ग्रह पॉजिटिव है, नेगेटिव 1 भी नहीं है। उसका जो नक्षत्र है वो भी 2 है, नेगेटिव 1 भी नहीं है,
और इसका सब लॉर्ड न्यूट्रल्स है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बुध अच्छा है वैवाहिक जीवन के लिए और शादी के लिए भी अच्छा है। यदि बुध किस दशा में आती है, अंतरा में आते हैं, उसे अच्छा ग्रह मिल जाता है तो वो शादी करवा देंगे। अब देखिए हम लोग गुरु को देखते हैं। गुरु देखिएगा दोस्तों, खाली एक ही पॉजिटिव ग्रह दो दिखा रहा है आपको, भी सब लॉर्ड में आ गया। नेगेटिव ग्रह देखिए एक और छः दो आ रहे हैं, ग्रह में आ रहे हैं और एक नक्षत्र में आ रहे हैं, साथ में 8-12 आ रहे हैं। तो 8-12 क्या एक छः के साथ चले जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु भी हमारा शादी के लिए ख़राब हो गया। उसी प्रकार शुक्र ऐसे तो शादी के कारक ही होते हैं दोस्तों। अब शुक्र हमारे क्या बता रहे हैं, देखिए शुक्र बता रहे हैं ग्रह एक बता रहे हैं नेगेटिव हो गया। उसका जो नक्षत्र है उसमें 2 आ रहा है, उसका सब लॉर्ड में भी 2 आ रहा है। मतलब एक तरह से कहिए कि हमारा कहलाता है कि शुक्र में पूरे के पूरे नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो, लेकिन साथ में यदि एक भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये हमारे शादी को बताते हैं। तो हम शुक्र को मान लेते हैं कि गुड अच्छा शादी के लिए। अब शनि आ जाइए, शनि भी देखिए यहाँ अच्छा दिख रहा है, एक भी नेगेटिव घर नहीं है, एक पॉजिटिव घर दिखा रहा है, मतलब शनि भी अच्छा है। उसी प्रकार यदि हम राहु को देखें, राहु देखिएगा दोस्तों कि एक अच्छा घर है, 2 खराब घर है, जबकि दोनों को दोनों आपको नक्षत्र और सबलॉर्ड में आ रहे हैं, 10-10 आ रहे हैं, 10 हमारे खराब घर कहलाते हैं शादी के लिए। इस प्रकार राहु भी हमारा नेगेटिव हो गया शादी का दोस्तों। अब आ जाइए केतु में, केतु देखिएगा बहुत पॉजिटिव बता रहा ग्रह, लेकिन नक्षत्र कुछ नहीं बता रहा है, सबलॉर्ड जो है उसका 1-10 बता रहा है। मतलब हम कह सकते हैं केतु भी अच्छा है, क्या कि 5 और 9 आ रहे हैं, ये भी हमारे शादी को फैसिलिटेटर दोस्त है। तो अब क्योंकि शादी होगी कि नहीं होगी, शनि की इनकी दशा चल रही है, राहु की अंतर चल रही है। शनि क्या पॉजिटिव है मैरिज के लिए, साथ में राहु क्या है, राहु नेगेटिव है मैरिज के लिए। तो यदि हम बोले कि यदि दशा यदि कोई इवेंट को बताती है तो हमको अंतरा को देखना है, यदि अंतरा उस इवेंट को नहीं बताती तो हमको अगली अंतरा को देखना है। तो राहु के बाद कौन सी अंतरा आएगी दोस्तों, गुरु की अंतरा आएगी। देखिए गुरु यहाँ आपको देखिए वो भी नेगेटिव बता रहा है, तो गुरु की अंतरा में भी शादी नहीं होगी। गुरु के बाद कौन सी अंतरा आती है, गुरु के बाद शनि आती है दोस्तों अंतरा। मतलब गुरु के बाद कौन सी आती है दोस्तों, तो गुरु लास्ट अंतरा है, तो हम शनि के बाद किसको देखेंगे, हम लोग शनि के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों बुध को, बुध की दशा देखेंगे। तो बुध यहाँ पॉजिटिव बता रहा, बुध तो नहीं होगा, लेकिन बुध और केतु आपको वैवाहिक जीवन इनका शादी हो जाएगा। यदि बुध की दशा आएगी, बुध की अंतरा आएगी और आपको केतु की पर्यंतर आएगी, तो इस बीच में इनकी मैरिज हो जाएगी दोस्तों। केतु के बाद देखिए शुक्र आते हैं, शुक्र के बाद सन आते हैं, सब पॉजिटिव आ लगातार पर्यंतर पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो इनकी शादी बुध की दशा, बुध की अंतरा, केतु शुक्र या सूर्य की पर्यंतर में इनकी विवाह सफल हो जाएगी। और साथ में वैवाहिक जीवन देखिए ठीक है, उतना खराब तब नहीं कहेंगे कि 4-5 देखिए 5-9 बहुत सारे आ रहे हैं, सूर्य में 5-9 बता रहे हैं आपको देखिएगा, फिर आपको मतलब बुध में 5-9 आ रहे हैं आपको, फिर आपको जुपिटर में 9 आ रहे हैं आपको, वीनस में देखिए 5-9 आ रहे हैं, शनि में 5-9 आ रहे हैं, राहु में 5-9 आ रहे हैं, मतलब 5-9 मतलब हमारे शादी को बचाए रखते हैं दोस्तों। इस प्रकार का वैवाहिक जीवन हल्का फुल्का खटपट, जब भी चंद्रमा की अंतरा आएगी, जब भी मंगल की अंतरा आएगी, जब भी गुरु की अंतरा आएगी, राहु की अंतरा आएगी, तो खटपट होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन फिर स्मूथली चलते रहेगा। इसी प्रकार हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार की कुछ समझ ना आए दोस्तों तो हमें कमेंट अवश्य लिखें, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में कोई एक ही सवाल आप डालें। बहुत लोग क्या होते हैं, एक सवाल डालते हैं फिर दूसरे डालते हैं, फिर ऐसा ना करें दोस्तों। तो जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।